Hello students, welcome again to our digital classroom. I've been doing the Merchant of Venice with you, and we have so far covered Act 1 entirely of course, and Act 2 Scene 1 तक कर लिया हमने. आज हम करेंगे Act 2 Scene 2. Now Act 2 Scene 2 is also a long scene. इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. हालांकि उतना इम्पोर्टेंट सीन नहीं है, बट फिर भी एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है. ऑल्सो बिकॉज काउंसिल में हो सकता है ये वाले सीन से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वैसा ना आए, बट कभी कभी कोई रेफरेंस भी वो पूछ सकते हैं किसी और किसी सीन से रिलेटेड, कि पहले के किसी एक सीन में ऐसा क्या हुआ था या उस कैरेक्टर ने उस दिन क्या बोला था. लॉट ऑफ रेफरेंसेस आर देयर, सो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट थरो स्टडी, चाहे सीन इंपॉर्टेंट हो या ना इंपॉर्टेंट. तो आज हम करेंगे एक्ट टू सीन टू. हमेशा की तरह देखेंगे कि सीन में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाली हूं. वी हैव द टेक्स्ट, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस अगेन बीच बीच में आपको बताती रहूंगी. ऑल्सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सिग्निफिकेंस, यानी कि इस सीन की क्या इंपॉर्टेंस है. फाइन, द सीन इज अ कॉमिक वन. जो भी मैंने आपको बताया इट्स अ कॉमिक सीन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें काफी सारा एंटरटेनमेंट है व्यूअर्स के लिए. इट एड्स टू द एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस और द व्यूअर्स और द रीडर्स. फाइन, व्हाइल दे वेट फॉर द मेन एक्शन टू टेक प्लेस, हमें पता है कि मेन एक्शन जो है वो ये इन कैरेक्टर्स के साथ नहीं है. मेन एक्शन में तो एंटोनियो होगा, शारो होगा, बसानियो होगा और भी कुछ होगा, राइट. सो व्हाइल दे आर वेटिंग दिस इज अ गुड सीन इन बिटवीन, एक थोड़ा फनी सीन है, एंटरटेनिंग सीन है. वी मीट लॉन्सलॉट, द अनथ्रिफ्टी नेव दैट शाइलॉक हैज स्पोकन ऑफ. यू रिमेम्बर शाइलॉक ने कहा था कि मुझे घर जाना है, एक बार चेक करना है कि मेरा घर ठीक ठाक तो है, क्योंकि वहां पे जिसको मैं छोड़कर आया हूं मेरे नौकर को, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है. तो वो नौकर कौन है? लॉन्सलॉट है. और लॉन्सलॉट से आज इस सीन में हम मिलने वाले हैं. फाइन, we see more of Bassanio, his liberal treatment of his servants and his preparations for going to Belmont. ये भी हम पहले देख चुके हैं कि Bassanio को Belmont जाना है, अब उसके पास पैसे भी हैं, अब उसे इंतजाम करना है. तो आज देखेंगे कि Bassanio क्या इंतजाम कर रहा है और उसकी कैरेक्टर का थोड़ा सा और देख पाएंगे कि वो कितना अच्छा आदमी है, लिबरल है, कैसे अपने सर्वेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को वो कैसे ट्रीट करता है. More comedy is added by Graciano when Bassanio desires that he should mind his behavior in Belmont. ये सीन मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है, तो ये जो Graciano की बात करेंगे वो इसके सेकंड पार्ट में करेंगे. हाँ, Graciano से पहले मिल चुके हैं, वो बहुत बोलता है. Bassanio ने कहा कि वो वेनिस में सबसे ज्यादा वही बोलता है, और जो वो बोलता है उसमें कोई सिर पैर नहीं होता उसके बाद में, राइट. सो वी विल सी व्हाट Graciano हैज टू से जैसे हम इसके सेकंड पार्ट में आ जाएंगे. आज हम करेंगे फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 120. नाउ द सीन ओपन्स विद लॉन्सलॉट. लॉन्सलॉट कौन है? शाइलॉक का सर्वेंट है. एंड शाइलॉक सेज ही इज अनथ्रिफ्टी, इररिस्पॉन्सिबल है, और शाइलॉक को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. आज हम देखेंगे कि लॉन्सलॉट शाइलॉक के बारे में क्या सोचता है. फाइन, सो व्हाट ही सेज ओवर हियर, ये एक ड्रामेटिक टेक्निक है, इसको बोलते हैं सोलिलोक्वी. सोलिलोक्वी एक हमने पिछले सीन में देखा था, एसाइड. एसाइड क्या था कि वो जो कैरेक्टर है स्टेज पे, ही स्पीक्स समथिंग फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. ऑडियंस समझ पाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. फाइन, जबकि बाकी जो कैरेक्टर्स वहां पे हैं, दे आर नॉट सपोज टू नो व्हाट ही से, मतलब वो सीन चलता रहता है, बाकी ऑडियंस, बाकी जो स्टेज पे कैरेक्टर्स हैं वो उस समय इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो थोड़े बैकग्राउंड में आ जाते हैं, और जो कैरेक्टर एसआई बोल रहा होता है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है. नाउ इट इज सिमिलर, सोलिलोक्वी और एसआई में सिर्फ एक ही फर्क है, दैट सोलिलोक्वी इज स्पोकन व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज ऑन स्टेज. वो कैरेक्टर स्टेज पे अकेला है और कोई अभी आया नहीं है, तो पूरी स्टेज उसकी है, राइट. सो ही इज स्पीकिंग, दैट इज अ सोलिलोक्वी, और वो स्पीक करके ऑडियंस को बता रहा है कि उसके माइंड में इस समय क्या चल रहा है. So, Lancelot, certainly my conscience will serve me to run from this Jew. और देखिए, ना तो Shylock को Lancelot पसंद है, और Lancelot को भी Shylock पसंद नहीं है.
ही सेज माय कॉन्शियंस, कॉन्शियंस क्या है? अंतर की आवाज, अंतरात्मा. माय कॉन्शियंस विल सर्व मी अलाउ मी परमिट मी, इजाजत देते वो मुझको टू रन फ्रॉम दिस ज्यू. मैं भाग जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इसकी सर्विस में और रहना नहीं चाहता. माय मास्टर, हु इज माय मास्टर, यू नो शाइलॉक इज माय मास्टर, आई वांट टू रन. द फिएंड इज एट माय एल्बो, और इस काम में मेरी मदद कौन कर रहा है? फिएंड. फिएंड कौन है? डेविल, शैतान. सो फिएंड बिल्कुल बाजू में खड़ा है मेरे, और वो कह रहा है भाग जाओ, भाग जाओ नॉन्सेलर, भाग जाओ. एंड टेम्प्ट्स मी, उकसा रहा है मुझको ये डेविल, मुझे उकसा रहा है, यू नो एंटाइसिंग मी, टेम्प्टिंग मी, सेइंग टू मी गोबो, लॉन्सेलॉट गोबो, गुड लॉन्सेलॉट और गुड गोबो और गुड लॉन्सेलॉट गोबो, बार बार अपने नाम को रिपीट कर रहा है. Now he is a clown character. Shakespeare के हर प्ले में एक clown character होता है. The clown character takes away the monotony of the scenes. खासकर tragedy plays में जब बहुत monotony हो जाती है या बहुत ज्यादा suspense create हो जाता है, the audience are like you know quite apprehensive कि main characters के साथ क्या होगा, तो एक ऐसा scene बीच में आ जाता है जब एक jester होता है, fool होता है, एक कॉमेडियन होता है जो आके थोड़ा बहुत हंसाता है सबको. सो लॉन्सेलॉट को आदत है बोलते रहने की, बोलते रहने की. अब उसका नाम लॉन्सेलॉट है, वो एक बार भी ले सकता था कि फियर ने कहा कि लॉन्सेलॉट सुनो मेरी बात, कहता है लॉन्सेलॉट गुड लॉन्सेलॉट, लॉन्सेलॉट गोबो, कीप्स ऑन रिपीटिंग हिज ओन नेम, यूज योर लेग्स. ऑब्वियसली जो भी भागेगा वो अपने पांव के जरिए ही भागेगा, बट कहता देखो डेविल ने मुझे कहा है कि यूज योर लेग्स, भागने के लिए पांव का इस्तेमाल करो. टेक द स्टार्ट, बस शुरुआत की जरूरत है, एक हिम्मत कर लो, मन बना लो कि आज सब भागना ही है, एक एक फर्स्ट स्टेप लोगे उसके बाद सब आसान हो जाएगा. सो रन, गो अवे, रन यहां से, पहुंच जाओ. माय कॉन्शियंस सेज नो, बट कॉन्शियंस तो अंदर की आवाज है जो हमें कहती है कि सही और गलत में क्या फर्क है. So, मेरी कॉन्शियंस जो कह रही है मुझको कि सर्वेंट को अपने मास्टर के प्रति लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी मैटर्स. सो माय कॉन्शियंस सेज नो, दिस इज नॉट राइट, यू कांट डू दिस, ओके, टेक हीड, बी केयरफुल, टेक हीड, तुम गलत कर रहे हो, ये काम सही नहीं है. ऑनेस्ट लॉन्सेलॉट, इधर यूज हुआ था वर्ड गुड लॉन्सेलॉट, अब ये वर्ड चेंज होके होगा ऑनेस्ट, कि तुम भाई ऑनेस्ट हो, ऐसा मत करो. Don't spoil your name, okay? Take heed, honest gobo, or as aforesaid. Aforesaid means जो मैंने पहले भी कह दिया है, as aforesaid, as before said, honest Lancelot gobo. So जो conscience है वो मुझे याद दिला रहे कि मैं तो honest हूँ और honesty को मुझे बनाए रखना है. So I am asked by conscience not to run. Fine, do not run. Don't run. Scorn running with thy heels. ये जब तुम अपने पैरों से भागने का इंतजाम कर रहे हो, इसको छोड़ दो, त्याग दो इस आइडिया को. Scorn it. You know, don't consider it. इसको आप एक बुरा आइडिया सोच के परे कर दो, किनारे कर दो इसको. Well, the most courageous fear bids me back. और जब मेरी आवाज मुझे बता रही है अंदर से कि ये काम सही नहीं है, ये जो डेवल यहां खड़ा है मेरे सामने, वो कहता क्यों भागने में क्या बोल रही है, भाग जाओ यहां से, ठीक है, जब तुम्हें यहां से जाना है. He is courageous. इसमें बहुत हिम्मत है इस डेविल में, वो मुझे अपनी हिम्मत दे रहा है. He says, come on, Lancelot, भागो यहां से. Fiend bids me back. He is asking me, he come on, back up and leave. Vaya, says the fiend. Vaya, भाग जाओ, go. सही समय है बिल्कुल, भाग जाओ यहां से. Away, says the fiend. बार बार he is repeating the same thing. एक ही बात है वो, वाय अवे रन, एक ही चीज है सर. फॉर द हेवंस राउज अप अ ब्रेव माइंड, सेज द फियंड. और ये जो डेविल है वो कह रहा है कि हेवंस गिव दिस मैन सम करेज, इसको हिम्मत तो भागने की यहाँ पे. एंड लुक एट दैट नाउ, डेविल कौन है? शैतान है. शैतान का हेवन से क्या काम? अब लॉन्सेलॉट जो बोलता है बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं है वो क्या बोलता है, इज जस्ट एडिंग अ वर्ड्स, ठीक है, वो जो जो उसने सुना होता है अपनी लाइफ में वर्ड्स, उन सबको यूज कर करके अपने लिए कुछ कुछ बहुत सेंटेंसेस बना लेता है. अब डेविल और हेवन का कोई काम नहीं है, बट यहाँ पे उसका जो डेविल है, लॉन्सेलॉट का जो डेविल है, वो हेवन से प्रे कर रहा है कि हेवंस गिव हिम करेज, इसे थोड़ी सी हिम्मत दे दो कि ये भागने में सफल हो जाए. राइट,
Well, my conscience hanging about the neck of my heart says very wisely to me. और जो मेरी कॉन्शियंस है okay, वो बहुत wisely मुझे समझा रही है. My honest friend Lancelot, being an honest man's son, or rather an honest woman's son, और मुझे याद दिला रही है कि तुम honest हो, तुम्हारे father honest हैं. He says, नहीं नहीं, father का पता नहीं, मेरी mother honest है. तो ये जो fear मेरी conscience है, ये मुझे बार बार याद दिला रही है. और conscience किस तरह behave कर रही है? Woman की तरह behave कर रही है, lady की तरह behave कर रही है. So we have the personification of the conscience. Okay? कि जैसे कॉन्शियंस मेरे गले पड़ी, यू नो, उसकी बाजू मेरे, उसने अपनी बाजू में मुझे ऐसे लिया कॉन्शियंस ने. फाइन, सो शी इज लाइक अ वुमन. सो हियर वी हैव द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियंस, इट्स लाइक अ वुमन. और वैसे भी हम हिंदी में कहते हैं ना, गले पड़ गई मेरे. सो माय कॉन्शियंस इज नॉट अलोइंग मी ओनली, बिल्कुल रास्ते में खड़ी है मेरे, रेस्ट्रिक्ट करके खड़ी है मुझे कि नहीं लॉन्सलॉट जाना नहीं है यहां से. वेल माय कॉन्शियंस सेज लॉन्सलॉट बच नॉट. अब मेरी कॉन्शियंस कह रही है कि लॉन्सलॉट मत हिलो, डोंट रन, डोंट मूव, बच सेज द फियर्ड. अब तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है. फियर्ड कह रहा है बच, कॉन्शियंस कह रही है डोंट बच, बच डोंट बच, बच डोंट बच, यू नो. ही सेज मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूं, तो मेरे अंदर एक धर्म संकट हो गया आज, यू नो, एक द्वंद हो गया है कि अब मैं किसकी बात मानू, इसकी इसकी किसकी बात मानू. सेज बच नॉट, सेज माय कॉन्शियंस. कॉन्शियंस से आई काउंसिल वेल. तो मैंने दोनों को शांत करा और मैंने कॉन्शियंस से कहा कि कॉन्शियंस अच्छे अच्छी एडवाइस दे रहे तुम मुझको, इट्स नाइस, यू काउंसिल वेल, यू गिव मी गुड एडवाइस. फियर से आई, यू काउंसिल वेल. और फियर से मैंने कहा कि तुम्हारी एडवाइस भी अच्छी है, गुड, यू ऑल्सो हैव गिवन मी गुड एडवाइस. To be ruled by my conscience, I should say, stay with the Jew, my master. अब अगर मैं कॉन्शियंस की आवाज सुनूं, तो मुझे आज कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने मास्टर ज्यू के साथ ही रहना चाहिए. बट अगर मैं नहीं भागूंगा, ज्यू के साथ रहूंगा, तो क्या होगा? Who God bless the mark is a kind of devil. मैं तो फंस गया. अगर मैं नहीं भागा, तो मुझे शैलो के साथ रहना पड़ेगा. शैलो कौन है? जीव है. और शैलो किस तरह का इंसान है? डेविल जैसा है. तो यहां एक डेविल और इस घर में भी एक डेविल. चाहे भागू चाहे ना भागू, डेविल से तो मेरा नाता जैसे जुड़ गया. आई एम क्वाइट इन अ प्रॉब्लम, व्हाट टू डू. इफ आई स्टे, आई हैव टू स्टे विद द डेविल. इज अ काइंड ऑफ डेविल. ओके, सो हियर वी हैव अ मेटाफोर. मेटाफोर वेयर Shylock is compared to a devil. And to run away from the Jew, I should be ruled by the fear. और अगर मैं भाग गया, तो आज मेरी conscience हार जाएगी और ये devil जीत जाएगा. मैं तो devil की बात सुनूंगा, भाग रहा यहां से. तो दोनों ही तरफ एक devil है. यहां पे devil, यहां पे devil, इससे हमें भी devil. Who saying your saving your reverence? He is saying to the audience, that if I may use this term, okay, if I may use the term devil for Shylock, he is the devil himself. Shylock is the devil himself. A copy of the devil here. Certainly the Jew is the very devil incarnation. ये तो उसका एक human form में जन्म हो गया, Shylock के form में. Okay, incarnation should have been the word incarnate. But Lancelot speaks a lot of wrong words, or rather he uses the words in the wrong way. Fine. And in my conscience is but a kind of hard conscience. कि अब क्या करूँ मैं? मेरी जो conscience है, जो मेरी अंतरात्मा है, the voice of my inner being, is a very hard conscience. बहुत strict है, बहुत सख्ती कर रही है मेरे साथ. ये मुझे भागने से रोक रही है, बहुत सख्ती कर रही है. To offer to counsel me to stay with the Jew. It's asking me to stay back with the Jew. Badi difficult life hai meri yahan pe Jew ke saath. The fiend gives me the more friendly counsel. Ye fiend acha hai. Ye shaitan acha hai. Ki mujhe kitni achi advice de raha hai. Kitni friendly advice hai. Ye mere kaam aayegi iski advice. Mujhe bahut zarurat hai aisi advice ki. Right? I will run. Main to decide kar gaya bas. Fiend, I'm going to run.
fear, my heels are at your commandment. I will run. He says, come on devil, aaj se main wahi karunga jo tum mujhe bataoge. I am going to obey you. Okay, I am going to understand or I am going to relate to your command and I am going to run away from here. Okay, so far jo Launcelot bol raha tha wo tha ek Solomon. जब वो स्टेज पे अकेला था, अब उसने कहा मैं भाग रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां से. वो भाग ही रहा था, किसी से टकरा गया. वो कौन है जिसे वो टकराया? वो उसका खुद का फादर है. सो हियर वी विल सी हिज फादर हैज कम टू मीट हिम. उसके फादर आज उसे आए मिले. एंटर ओल्ड गोबो विद अ बास्केट और उन्हीं से जाके वो टकरा गया. ओल्ड गोबो और लॉन्सेलॉट के बीच में भी काफी बात हो गई, जिसमें इंग्लिश को बहुत तोड़ मोड़ के दोनों ने पेश किया गया है. बहुत सारे वर्ड्स को रॉन्गली यूज किया है. वो इसलिए कि इसी तरह की कॉमेडी बनी थी. दिस इज एन एंटरटेनिंग सीन. बट जो शेक्सपियर के जो फूल्स होते थे, ऐसे कॉमिक कैरेक्टर्स होते थे, दे हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज आल्सो. फाइन, तो कई बार जो वो डायलॉग उनसे बुलवाए जाते थे वो काफी नॉलेजेबल डायलॉग्स भी होते थे और काफी आई ओपनर्स भी होते थे ऑडियंस के लिए भी. और यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में जो चल रही है डायलॉग और बाद में बसानियो भी आ जाएगा तब भी. सो लॉट ऑफ वर्ड्स आर यूज इन द रॉन्ग वे. सो वी विल अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स ऑल्सो एज वी गो अबाउट. गो मास्टर यंग मैन, यू आई प्रे यू विच इज द वे टू मास्टर जू. तो इसे सुनो 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 यंग मैन, मुझे क्या मुझे बता सकते हो कि मास्टर जू का घर कहाँ है? Now, he has not mentioned Shiloh. Say, Master Jew. अब किसी को क्या पता कौन सा जू? उसने तो नाम लिया ही नहीं. But look at the reputation that Shiloh must have had there in Venice. हो सकता है बहुत सारे Jews जिनका बिजनेस चल रहा हो वहां पे, उन सब में Shiloh एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सन था. तो जू वहां पे हो सकता है सभी लोग Shiloh से रिलेट करते हो. तो he has that reputation. He is well known. Fine. So he says, where is the road or which is the way that goes to Master Jew's house? Launcelot, aside. Now this is an aside. Now he is telling the audience कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है. Fine. Oh heavens, this is my true begotten father. He says, oh heavens, you know, मेरे अपने फादर आ गए यहाँ पे. My true begotten father. So this is the first word that he is speaking wrongly. True begotten. Okay, true begotten क्या है? It's said in a joke. Actually क्या होता है? The father begets the son. Okay, son जो है वो father को born होगा ना, father की family में आएगा. उल्टा तो हो नहीं सकता. So he says he is my true begotten father, as if I have produced this father. Okay, he is my true begotten father, who being more than sand blind, high gravel blind, knows me not. और मेरे फादर को थोड़ी सी आई प्रॉब्लम हो गई है, वो इतनी अच्छा सफाई से देख नहीं पाते, साफ साफ देख नहीं पाते. ही सैंड ब्लाइंड. सैंड ब्लाइंड एक टर्म है इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं नॉर्मली हाफ ब्लाइंड पर्सन के लिए. सो ये सैंड ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड. फिर लॉन्सेलॉट सोचता है कि नहीं नहीं, सैंड ब्लाइंड तो कम हो गया उनके लिए, और ज्यादा ब्लाइंड है वो, तुमको दिख ही नहीं रहा. तो अपने मर्जी से एक सोच लेता है वर्ड, जैसे हम कहते हैं इससे ज्यादा. अब सैंड है तो सैंड से ज्यादा क्या बड़ी चीज है? ग्रेवल. ठीक है, तो ग्रेवल. ही इज हाई ग्रेवल ब्लाइंड. और ग्रेवल भी नहीं, उससे भी ग्रेवल के भी रोड़े, यू नो कंकड़, उतना ब्लाइंड है वो. तो यानी कि सैंड की एक अपर डिग्री उसने लेके कहा हाई ग्रेवल ब्लाइंड, विच इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी ऑल्सो. ठीक है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है. हाँ, सैंड ब्लाइंड ऑफकोर्स इज अ रेफरेंस. ही इज हाई ग्रेवल ब्लाइंड, ही नोज मी नॉट. और वो तो मुझे पहचानते ही नहीं है, पहचानेंगे भी नहीं अभी. I will try confusions with him. आज मजे लेता हूँ अपने फादर के साथ, तो खूब घुमा अपनी बातों में उछा दूंगा, confusions क्रिएट कर दूंगा उनके लिए, देखते हैं क्या होता है, मजे लेने के लिए. ओके, गो मास्टर यंग जेंटलमैन, आई प्रे यू विच इज द वे टू मास्टर जूस. नाउ गोबो वाज वेटिंग दैट दिस यंग मैन विल गिव हिम एन आंसर. तो उसे अपना क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि प्लीज यंग मैन टेल मी विच इज द वे टू मास्टर जूस. जू के घर का रास्ता. लॉन्सेलॉट, टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्न. दिस इज ठीक है, फाइन. आप जाते रहिए आगे, राइट हैंड पे जब आप एक टर्निंग पे आएंगे राइट हैंड की, वहां से राइट हो जाइए. टर्न अप एट द राइट, बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट. बट जो टर्निंग उसके बाद आएगी या नेक्स्ट टर्निंग जो आएगी वहां से लेफ्ट हो जाएगा.
Mary, at the very next turning, turned to no hand but turned on indirectly to the Jew's house. Or, जो next turning आएगी वहाँ ना right जाना ना left जाना सीधा जाना. Turn to no turning, go straight, and you will come indirectly to the Jew's house. So again, this is a wrongly used word. Indirectly नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था directly. कि तब आप सीधे जीव के घर पहुँचोगे. Okay, and then he uses the term Mary. Mary is a term used for Mother Mary. In the name of Mother Mary, Mother of Jesus Christ. Okay, so he is giving all confusing directions to his father. Go, by God's sovereignties. He says, oh my God, it is so confusing. By God's sovereignties, in the name of the saints, all the holy saints, it will be a hard way to hit. ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ढूंढना उनका घर, कहाँ right जाऊँ, कहाँ left जाऊँ, कब सीधा जाऊँ. It will be so difficult. Can you tell me whether one Lancelot that dwells with him, dwell with him or no? He says, चलो इतना तो बता दो कि उनके साथ एक लड़का काम करता था, Lancelot नाम का. One Lancelot, okay? एक लड़का है, Lancelot नाम का, वो काम करता उनके लिए. वो आज भी वही है या नहीं है? Does he dwell with him, live with him, work for him or no? Please tell me.